ठीक है गाइस, आज हम लोग देखते हैं माया के अंदर लाइटिंग। लाइटिंग के अंदर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं उस लाइटिंग मुझे फिलहाल में कोई नहीं चाहिए, तो मैंने मेरे पास जो सीन है, सीन के अंदर देखो लाइट यहाँ पे दे रखा, लाइट को मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, एज यू नो वेरी वेल मैंने आपको कैमरा बता ही रखा, तो कैमरा तो हम लोग हमेशा डील करेंगे। मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। लाइट लगाने से पहले कैमरा लगा देते हैं, कैमरा ठीक है। पैनल लुक तो सिलेक्टेड, मुझे कैसे दिखाना है ये पार्ट, मैंने ऐसे दिखाया, एंगल मैंने ये दिखाना है। ठीक है, यहाँ से मैंने अभी ये देखो इतने बार मैं आपको करा दूंगा कि आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाओगे। तो ये चीज़ अगर आप जो लोग चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कभी भी भूलेंगे नहीं कि हमारे पास गलतियाँ नहीं होनी चाहिए हमारे काम में। ठीक है, ये पार्ट मैंने सेट कर दिया, यहाँ ताला बंद कर दो ताकि हिले नहीं, स्पेस बार सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, परस्पेक्टिव में गए, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्रेट में गए, क्रेट में जाते हैं लाइट, लाइट में स्पॉट लाइट के फीचर्स बहुत है इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसे लंबा कर भी रहे हैं। ठीक है, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, और ये सब लाइट में काम करेगा जिसके अंदर वो फीचर्स मिले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट, एक लाइट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 7 प्रेस करता हूँ तो 7 में आपको लाइट का इंपैक्ट देखेगा, स्पेस बार मेक श्योर। ठीक है, लाइट है R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, स्केल करोगे तो आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पे। एज यू नो वेरी वेल जैसे मैंने आपको बताया रखा है कि टी प्रेस करेंगे तो आप पे टारगेट भी मिलेगा, आप टारगेट को इधर से उधर आप मैनेज करके दिखा सकते हो। ठीक है, बेसिक पहले पैरामीटर में मैंने आपको दिखाया है कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो मैनिपुलेटर होता है यहाँ पे, इस पर क्लिक करो तो कुछ कुछ चेंजेस मिलेगा। देखो यहाँ पे देखिए कौन एंगल, अभी मैं पैरामीटर में नहीं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक नई चीज़ भी सीखने को मिलेगा क्या, इस पर क्लिक किया देखो यहाँ पे पेनमंगल फॉल ऑफ डी के सब कुछ आपको मिलेगा। देखो ये सब आपको मैंने पहले बता रखा है, इस पर एक और क्लिक कर दिया तो यहाँ देखो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये डी के का रेशो भी अलग अलग, यहाँ बारडून बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आ रही थी, ये सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चाहिए, लेकिन आप इसे क्लिक करोगे तो आपको बहुत से पैरामीटर आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो चलो एक एक करके सारे फीचर्स और बाकी चीज़ देखते हैं। तो पहला काम कंट्रोल ए एट्रीब्यूट, अभी कलर है, कलर पे मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे मैं चीज़ों को रखने वाला हूँ। बेसिक अभी मैं कोई भी काम करता हूँ, देख शैडो तो ऑन कर ही लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमने कहा शैडो हम लोग डिस्कस करेंगे, यूज दैट मैप शैडो। अभी लाइटिंग आर्टिस्ट को क्या इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, वायर फ्रेम देख लो, वायर फ्रेम क्या होता है, स्मूथ शेडिंग क्या होता है। ठीक है, ये सब स्मूथ शेडिंग एंड सिलेक्टेड आइटम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा पार्ट आपका फ्लैट ऑल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ओके बाउंडिंग बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बाउंडिंग बॉक्स में क्या होता है, जब आपकी फाइल बहुत हैवी होगी ना तो आपको ये ऑप्शन करना है ताकि आपकी फाइल बहुत हल्की लगे। देखो ये आप किसी उसमें ट्राई करके देखना, आपको आइडिया मिलेगा। जैसे मैंने बाउंडिंग बॉक्स अभी मैं बहुत हल्के से मैनेज कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हमने देखा कैसे हम बाउंडिंग बॉक्स करते हैं यहाँ पे, इसके मेरे पास और ऑप्शन भी मिलते हैं। जस्ट ये ऑप्शंस को आपको दो समझ जाए बताने का मोटिव यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्मूथ शेडिंग ऑल कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं लाइटिंग करने के बाद, या जब भी आप फाइल सेव करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता रहा हूँ माइंड में रखना, लाइटिंग आर्टिस्ट जब भी फाइल सेव करता है तो ये हमेशा ये बाउंडिंग बॉक्स ऑन करके ही सेव करता है, तो फाइल जल्दी सेव भी हो जाता है और बंद भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपका फाइल बहुत हैवी है तो छोटा सा मॉडल है, जैसे आपका सीन है, बड़ा सीन है, बड़े सीन में अगर आपने ये ऑप्शन नहीं किया तो पहले तो बंद होने में टाइम लगेगा, फिर खुलने में टाइम लगेगा, और आपने ये ऑप्शन ऑन कर रखा है तो फाइल कुछ चुटकियों में खुलेगी चाहे कितना बड़ा भी सीन हो। ठीक है, यूज डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट मटेरियल ये दिख रहा है, डिफॉल्ट मटेरियल आपके पास यहाँ पे वायर फ्रेम सेटिंग। ठीक है, हम लोग वैसे स्टार्टिंग में भी देख लेते हैं, हाँ ठीक है, एक्स रिमोट, ये सारे ऑप्शन एक बार देख लेना। मेन चीज़ हमारे पास अगर देखें, मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा जॉइंट्स एंड ऑल दिंग, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा भाई मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मुझे फिलहाल में इन सब चीज़ों से थोड़ा सा तो हट जाना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा लाइटिंग के अंदर जाओगे, लाइटिंग के अंदर को यूज डिफॉल्ट लाइट है, यहाँ पे यूज ऑल लाइट, जितने लाइट आपने यूज़ किया वो आपका यहाँ पे इम्पैक्ट दिखा देगा। इसके बाद फिर अगर ऐसा भी हो, जैसे मैं अगर देखो थोड़ा सा और फीचर्स में चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दो लाइटें लगा दी। ठीक है, कंट्रोल डी पैनल लुक तो सिलेक्टेड, मैंने कहा भाई थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा कलर रेड कर देता हूँ, सिर्फ दिखा इसको इसी फीचर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक रेड है एक वाइट है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल लाइट है यूज सिलेक्टेड लाइट, सिर्फ सिलेक्टेड लाइट ही दिख रहे, देखो इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तुम्हें अगर बहुत से बल्क में लाइट हो तो आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यूज फ्लैट लाइटिंग, फ्लैट लाइटिंग हो गया, मतलब ये देखो पूरा डिफ्यूज वाला इम्पैक्ट आ रहा है। यूज नो लाइट, कोई लाइट नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, देन टू साइडेड लाइटिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर देखो तो मेरे पास यहाँ पे जाने के बाद मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है शैडो, इतनी मेहनत की दो लाइनें देखे तब जाके हमें मिला भाई ये ऑप्शन मेरे पास मिलते हैं और शेडो कहाँ से ऑन होना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं रेड वाली लाइट को पकड़ के मैं कर देता हूँ ऑफ। दूसरी बात, अभी मैंने दिखाया मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास नीचे का पैटर्न ऐसा है, मैंने क्या किया नीचे बेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने कहा क्या क्या, राइट क्लिक असाइन एंड लैम्बर्ट,
नहीं ब्लेन ले लेते हैं, ठीक है ब्लेन लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है मैंने कर दिया बेस बी ए एस सी बेस, ठीक है बेस पे गए यहाँ पे मैंने क्या किया एक चेकर्स ले लेते हैं यहाँ पे फिलहाल में, जो चेकर्स हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ कर लेना चाहिए, जो हम लोग यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं सेट किया, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट चेकर्स मेरे पास यहाँ पे, टाइलिंग में जाके मैंने कुछ बढ़ाया है रिपीट में, ठीक है कवरेज यहाँ पे, ठीक है तो मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा, 4 एंड 5 एंड 6 यहाँ बढ़ा है, ठीक है छोटे से एरिया पे ही है इसलिए वहाँ पे विजुअल नहीं हुआ कि मैं अगर कहूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें इतनी बढ़िया हुई भी हैं कि नहीं। तो व्हाट वी वांट यहाँ पे मैं करता हूँ लाइक अराउंड 40 टैब 40, देख रहे हैं यहाँ पे अभी चेंजेस देखिए यहाँ पे, तो सीन में छोटा है तो मैं यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 80 टैब 80 कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देख लेना कई बार ऐसा लगता है हमने किया लेकिन देख नहीं रहा, ठीक है। तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे, ओके यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे गया सिंपल मैं कलर है, कलर के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक नहीं लेता, ब्लैक की जगह मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ कलर थोड़ा सा लगे है ना, वाइट है वाइट को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है यहाँ से मैंने थोड़ा सा और बैलेंस किया जो थोड़ा सा जेन्युइन से लगे देखने में अच्छा लगे, मैं यहाँ पे आंखों को डाइजेस्ट भी होगी, ठीक है दिस इज़ गुड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फ्लोरिंग का पार्ट है, फ्लोरिंग में अगर देखना चाहो जो आपको कलर पसंद है उन कलर के साथ आप थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, तो मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है यहाँ पे किया मैंने रेंडर कर दिया। रेंडर करने पे देखो आपको क्या लगेगा कि भाई कहीं से एक लाइट आ रहा है, लाइट एक ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है और शेडो भी आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है जैसे मैंने कहा शेडो के अंदर तो ऐसे फीचर्स होते हैं, अभी फिल्टर साइज 4 कर दो, ठीक है यहाँ पे आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे रेजोल्यूशन है तो ऐसा ब्लर करना है, मुझे ब्लर ही चाहिए तो मैंने 500 बार कर रखा, नहीं तो शार्प चाहिए तो 1024 कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिखेगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कोन एंगल है, कोन एंगल से मैंने बड़ा कर दिया, मैंने कहा अभी फिलहाल में कोन एंगल करते हैं बड़ा, तो अभी ये आइडिया नहीं मिलेगा कि भाई हो क्या रहा है ना, नहीं पता चल रहा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया इस लाइट को लिया, लाइट को लेके मैं यहाँ पे लाइट के कलर में जाके यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चेक दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको जैसे फिलहाल में जैसे मैंने बोला बल्ज है ना ग्रिड, ग्रिड कॉल कर लिया, ग्रिड कॉल करने के बाद अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ उल्टा दिख रहा है, इसके अंदर से लाइट आ रहा है जैसे लग रहा है कि कहीं से खिड़की वहीं से हल्की सी लाइट की रोशनी, बाकी सब कुछ ब्लैक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है आप इसे चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट ये मैंने कर दिया इधर और इसको मैंने अपोजिट कर दिया यहाँ पर, अभी जरा चेक करो तो यहाँ पर अभी कैसे लग रहा है कि खिड़की के अंदर से लाइट आ रहा है। हाँ तो हम लोग ऐसे कर भी सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइलिंग है, रिपीट को मैंने कर दिया 4 है मैंने कर दिया 8 कर दिया टैब 8 अपने अकॉर्डिंग कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो रेंडरिंग में एक ऑप्शन यहाँ पर होता है आर्नोल्ड व्यू, आर्नोल्ड का व्यू अलग दिखता है, ठीक है यहाँ पर अगर देखो यहाँ पे ठीक है व्यूपोर्ट 2 कितना विजुअल है हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, लाइटिंग में दिखा रखा है सो ऑल लाइट सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ विजुअल नहीं है, अगर मैं आर्नोल्ड में करता तो आर्नोल्ड में वो दिखता भी, ठीक है अब यहाँ पे क्रॉस चेक करो आ जाएगा। तो यही तो मैंने बाय डिफॉल्ट चीज़ को यूज़ कर लिया, इसके सिवा अगर मैंने राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, मेरे पास कुछ मैप्स हैं यहाँ पे जिन मैप्स को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे कुछ मैप्स को अगर आप यूज़ करोगे फाइल पे जाके आपको कॉल करना है जो आपको मन लगता है जिसको आपको लगता है भाई मैं इसे अगर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कुछ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है देख लेना पे, ये चीज़ ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे देखो तो आपके पास थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा बेटर दिखे, वो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, जेपीजी में अगर देखो तो मैं जेपीजी में क्या काम करे देखो एरर आ रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है। इसके सिवा भी मैंने कुछ निकाल रखा है यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ मॉडल कटआउट में यहाँ पे देखकर देखूँ तो मैंने प्लांट एंड ऑल दिस थिंग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है मैंने यहाँ पे क्या किया एक इमेज मैंने कॉल किया यहाँ पे, ये अगर इमेज मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे चीज़ ऐसे देखिए कि भाई किसी जाली से लाइट छन के आ रही है, तो आप इन चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो कि भाई आपको लाइटिंग का इम्पैक्ट कैसे देखना है और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो।